जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शकील अहमद राजा और आज मैं आपको अपने गांव की जो सबसे खूबसूरत जगह है वहाँ पे लेके आया हूँ। नाज़रीन, ये हमारे गांव के जो खेत हैं ये बजरिया आपाशी ये सैराब होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ कि आपको दिखाऊँ कि किस तरह ये खूबसूरत तरीके से हमारे किसानों ने इनको काश्त किया हुआ है और किस तरह खूबसूरत उन्होंने यहाँ पे नालियों के ज़रिए इनको पानी ट्यूबवेल के ज़रिए इनको देते हैं और किस तरह ये खूबसूरत देखें यहाँ के मनाजिर हैं। सॉरी एक काल आ गई है, अच्छा हाँ, तो नाज़रीन अपना सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह यहाँ के मनाजिर हैं, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और हरियाली ही हरियाली है और ये सारा जितने भी आपको ये फील्ड्स नज़र आ रही हैं ये बजरिया आपाशी इनको सैराब किया गया है और आपाशी का ये तरीका ज़माना कदीम से यहाँ पे राइज है। जितनी भी ये फसलें इनका ज़्यादातर इन्हिसार बारिश पे नहीं किया जाता बल्कि ये यहाँ पे जो वेल लगे हुए हैं हर थोड़े फासले पे एक वेल लगा हुआ है और उससे बजरिया टरबाइन ये खेतों को जो है पानी सैराब किया जाता है। ये मेरे आप चारों अतराफ ये देखें ये किस तरह खूबसूरत ये खेत हैं और ये जो पीछे आपको छोटे छोटे ये कमरे नज़र आ रहे हैं इनके अंदर टरबाइंस लगी हुई हैं जिनके ज़रिए ये पानी इन खेतों तक बासानी पहुंचाया जा सकता है। ये खेतों के रास्ते खूबसूरत, ये देखिए ये कितने प्यारे रास्ते हैं, ये जो सीधा आपको सामने नज़र आ रहा है या ये इस ओर आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने आपको पगडंडी नज़र आ रही है और ये है वो मेन कुआं जिसके अंदर ये टरबाइन ये देखें आप पाइप सिस्टम के ज़रिए लगाई गई है। इससे पहले यहाँ पे राह टोलवा करते थे जो बैलों से चला करते थे, लेकिन अब चूंकि ज़माना जदीद हो गया है और हर चीज़ ने जिद्दत इख्तियार की है तो यहाँ पे भी ये किसान जो हैं यहाँ के जो फार्मर हैं उन्होंने बैलों को खैराबाद कह दिया है और ये इसके अंदर टरबाइन सिस्टम लगा दिया है और यहाँ से ये अपने खेतों को पानी सप्लाई करते हैं। तो ये देखें ये जिस पगडंडी के ऊपर से मैं गुज़र रहा हूँ इसके नीचे से ये दोनों अतराफ में इन्होंने खूबसूरत नालियाँ तरतीब दे रखी हैं जिनके ज़रिए से पानी यहाँ पे आता है। तो और ये देखें ये बीच में रास्ते पानी के बने हुए हैं जो दोनों तरफ पानी सप्लाई करते हैं। ये मेरे साइड पे आप जो फसल देख रहे हैं ये गंदम की फसल है और ये मैं जिस पगडंडी से जा रहा हूँ ये यहाँ की मेन इन खेतों की जो आप कह लें कि सर्विस रोड इसको कह लें ये वो है और ये बहुत इस पे चलने का एक अलग ही मज़ा और अलग ही इसकी जो है फीलिंग्स हैं ये कोई बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे आप जब चलें तो एक खूबसूरत आपको पाथ मुयसर होती है जिसके ऊपर आप चलते हैं तो अतराफ से इन फसलों की खुशबू महकी महकी सी खुशबूएं आपको मिलती हैं और साथ में जो है परिंदों की चहचहाहट होती है बरसों और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो फसलें लगी हुई हैं इनकी जो बीनी बीनी खुशबू है वो आपकी सांसों को
मुअत्तर करती है। और ये देखें कितनी खूबसूरत ये पगडंडी है जिसके ऊपर से किसान गुज़र के एक खेत से दूसरी खेत की तरफ जाते हैं, और इस पे चलने का अपना ही एक मज़ा है। ये सारे जो आपको मकान नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे इनके अंदर ये टरबाइन सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए ये वेल चल रहा है, और यहाँ से जो सारा पानी है वो इन खेतों को सप्लाई हो रहा है। नाज़रीन ये बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं, जहाँ इनको अगर आप लाइव देखें तो इनका अपना ही एक लुत्फ और इनका अपना ही एक चार्म और मज़ा है इनका। और ये जो आप देख रहे हैं रोड, ये कच्ची रोड, ये इन कुओं तक जाती है। और ये जो आपको अतराफ में ये मकान नज़र आ रहे हैं, इनको हम ढोके कहते हैं। ये यहाँ की ढोके हैं। ढोक उस जगह को कहते हैं कि जो हर थोड़ी फासले के बाद एक आपको आबादी नज़र आती है, या एक आध घर नज़र आता है। आबादी नहीं बल्कि सॉरी, उसको घर ही कहते हैं। एक आध जो घर आपको नज़र आता है या मकान, उसको ढोक कहते हैं। तो ये सारी ढोके यहाँ पे अब बिजली की सहूलत भी मैसर हो गई है, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पे बिजली बिल्कुल नापैद थी। और यहाँ की एक अलग ही लाइफस्टाइल था, ना कोई यहाँ पे शॉप हुआ करती थी ना कुछ। अब शॉप तो खैर अब भी नहीं है, लेकिन बाकी जो सहूलतें हैं तकरीबन वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, सिवाय गैस वगैरह के। तो गैस का काम तो ये यहाँ की जो आपको अतराफ में जंगल नज़र आ रहे हैं, यहाँ के ये जो लकड़ियाँ हैं यही दरख्तों से इस्तेमाल की जाती हैं जलाने के लिए। तो ये लोगों ने पुराने मकान जो बने हुए थे पत्थरों के, वो गिरा के आप ईंटों के बना लिए। तो ये आपको जा बजा ये पुरानी आबादी जो है, पुरानी ढोकों के जो आसार हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, बहुत शुक्रिया। इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बहुत शुक्रिया।